नमस्कार दोस्तों, तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। तीजा मनाने जा रहा था परिवार, हाइवा की चपेट में आने से पति पत्नी और बच्चे की गई जान। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार हाइवा ट्रक ने बाइक सवार परिवार को रौंद दिया। हाइवा की चपेट में आने से पति पत्नी और बच्चे की मौत हो गई। 1-2 साल की बच्ची गंभीर रूप से जख्मी है। परिवार के 4 सदस्य तीजा मनाने जा रहे थे, तभी सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना नंदिनी थाना क्षेत्र का है। छावनी CSP विश्वास चंद्राकर ने बताया कि कोहका निवासी अनिल सिन्हा अपनी पत्नी भारतीय सिन्हा, बेटे आयुषी और बेटी निक्की के साथ बेमित्रा जा रहे थे। पत्नी को उसके मायके तीजा मनाने के लिए नंदिनी रूट से छोड़ने जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार हाइवा ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि 3 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। सड़क हादसे में मरने वालों में अनिल सिन्हा 33 वर्ष, पत्नी भारती सिन्हा 28 वर्ष और बेटा आयुष सिन्हा 6 वर्ष शामिल है, जबकि बेटी निक्की सिन्हा 2 वर्ष की हालत गंभीर है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां इलाज जारी है। वहीं तीनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद हाइवा चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हादसे के बाद मामला तनावपूर्ण हो गया था। आसपास के लोग इकट्ठा हो चुके थे, किसी तरह माहौल को शांत कराया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।